अस्सलामुअलैकुम यार, किसी भी व्लॉगर की ज़िंदगी में ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है ट्रैवलिंग। और अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह इट्स 7 in the morning और भाई जा रहे हैं इस्लामाबाद। तो यार मुल्तान से इस्लामाबाद का सफ़र नॉन स्टॉप नहीं करने वाले, मतलब रुकना तो लाजमी था, बट 120 एक्सप्रेस को भी तो फ्लेक्स करना है ना। बट द पॉइंट इज के मैं इस्लामाबाद क्यों जा रहा हूँ यार, पहुंचने तो दो, बता देता हूँ। मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ, मस्त हुआ बर्बाद हुआ। सो यार सारा दिन बारिश देखने के बाद फाइनली होटल रूम में पहुंच चुके हैं। यार मैं इस्लामाबाद क्यों आया ये बताता हूँ, बट पहले आपके भाई को फ्लेक्स करना है तो रूम टूर कर लो। मैं टूट का तस्मा टूटा, इश्क नहीं फन कार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा, इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा, फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ। एक्चुअली बाबा आ रहे थे इस्लामाबाद अपने काम के सिलसिले में, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट मैं भी उन्हें ज्वाइन करूं, आपके भाई ने किया। बट आने की वजह यही थी कि मुझे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी और मैं खुद जाके भी देखना चाहता था एक दफ़ा, मतलब जिसे कहते हैं ना एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन हो जाती है किसी भी ओपिनियन के बारे में, तो वो। बट यार एक डिसएडवांटेज है कि मुझे 2 दिन ना तकरीबन अकेले गुजारने, बट टेंशन नॉट, भाई के पास सोल्यूशन है। सो सोल्यूशन नंबर 1, टाइम ही गुजारना है ना, जिम चल लेते हैं। बैग तैयार है, चलते हैं। सो यार आई मीन जिम, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिम बिल्कुल खाली है, मतलब द होल जिम बिलोंग्स टू मी, वाइब बहुत अच्छी आ रही है, बट आप यहाँ के पहले सीन चेक करो। यार भाई आपका दिन से वापसी आ चुके हैं, इट वॉज रियली गुड, मतलब कि यार टाइम बहुत अच्छा गुजर गया और भाई ने आपके हल्के तो आना नहीं था। सो अभी के लिए ना मुझे शावर लेना मस्ट है। सो भाई आपका नहाकर आ गया, लेकिन यार मेरा और नींद का रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रॉन्ग, तो सुबह मुलाकात होती है। तो भाई आपका सुबह 9 बजे उठा, आई हैड ब्रेकफास्ट, देन आई टुक शावर, एंड आई जस्ट रियलाइज दैट अगर आप अकेले भी हो ना टिल देन यू कैन ऑल्सो क्रैक दिस प्लेस, मतलब कि आपको खुद इंजॉय करने वाला होना चाहिए। ऑल्दो मैं बाहर नहीं गया, बिकॉज 2 दिनों से यार यहाँ पे बारिश हो रही है, मतलब कि कुछ भी। सारी चीजें एक तरफ, PSL और राहत अली की बॉलिंग ये नहीं छोड़ी जा सकती। वेल डन, वेरी वेल डन। मुझे लगा कैच हो गया। तीन बॉलें रह गई यार, एंड दैट आई गेस आउट, दैट शुड बी आउट। ओ मतलब के वेरी वेल डन। So, भाई ने प्रेडिक्शन सही की थी, 195 हुआ। बारिश हो गया, बट द गुड थिंग इज जर्मी DL पार स्कोर के ऊपर आ गया, दैट्स एक्चुअली वेरी गुड। सो बारिश ने आज पेशावर जर्मी को बचा लिया, मतलब कि नेचर भी पेशावर के साथ, मगर ये जो सॉन्ग है ना ये तंग कर रहा है, बारिश में भी पिंडी जाना पड़ेगा।
सो ब्रो प्लान तो यही था कि हम लोग बाइक्स के ऊपर जा रहे हैं, मजे करते हुए जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली बारिश रुक नहीं रही. जाना तो है तो एट लास्ट स्क्रीन काम आई. बच्चे के नेम पिंडी नाम चाहे छोटा पर छोटी नहीं फेम. पिंडी के लड़के तो हैं ही तूफानी, 70 को रहने न देते पुरानी. बच्चे तो बच्चे हैं बड़ों में क्रेज, मच्छी है बनना और विलिंग उठानी. बात की जाए अगर इधर के खानों की, मामू के. तो भाई आपका पहुंच चुका है रावल पिंडी की गलियों में, मतलब के भाई चैन नहीं है. खाते राजा मशहूर है चुकने में विली, मलक कब्बासी और चौधरी की गली. सुबह से शाम यहाँ हर वक्त है रौनक, राजा बाजार शेखे की वेली. माना पड़ेगा ये बंदे है खरे, गलिया छोटी पर दिल है बड़े. गूगल तुम कर लो, मैं वेनी फेमस. पिंडी के हेटर हो जो परे. मेरा और खाने का कनेक्शन यार बहुत पुराना, मतलब के भाई कैंट रेजिस्ट. अभी आई एम एट सेवर्स और बहुत ज्यादा सुना मैंने इनके बारे में, और अब इनको अच्छा होना चाहिए, मतलब अब लाजमी हो गया. ये मिला कैसा होगा यार, मैं तो बहुत दफा खा चुका हूँ. सेवर पुलाव वाज एक्चुअली गुड, मतलब आई हैड मिक्स्ड रिव्यूज, मगर पुलाव कबाब और पीस मिलके ना अच्छा कॉम्बो बना देते हैं. मसला ये है कि यार देखो, आई माई सेल्फ इज़ फ्रॉम मुल्तान, तो मुल्तान में जो यखनी पुलाव है ना उसका स्टैंडर्ड इससे शायद कहीं ऊपर है. मतलब मुल्तान में दो तीन प्लेसेस के अंदर बकायदा कंपटीशन है यखनी पुलाव को लेकर, और शायद यहाँ पे सेवे फूड्स को ऐसा कंपटीशन ना हो. बट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन कि यखनी पुलाव और ये वाला पुलाव, दीज आर टू सेपरेट थिंग्स. और अगर बात की जाए प्राइसिंग की, प्राइसिंग वॉज एक्चुअली गुड, मतलब 230 की वो सारी प्लेट जो आपने देखी, दो कबाब पुलाव एंड देन पीस. इसके अलावा टॉकिंग अबाउट रेटिंग्स, तो आई विल प्रोबेबली गिव इट 7 out of 10. सीओ जाना ही कोई थकावट, पिंडी बुलाऊंगा चाय बनाऊंगा, चाय बना के मैं सबको पिलाऊंगा, चाय पिला के मैं सबको नचाऊंगा. जानी फिर तुमको मैं सेवर सिखाऊंगा, सेवर से होके फिर तुमको मैं 70% टूरिस्ट की सैर कराऊंगा. सुबह का गाज होता कोल्ड के कश से, नाश्ते से पहले हम जाते हैं छत पे. चाहे किसी का भी हुआ हो रोला, अपना तो फर्ज लगाएंगे चस्के, खुद पल्ले कंधे पर होना है. देखो पॉल्यूशन है वैसे ही बहुत बढ़ गई है, जाते वक्त क्रीम आते वक्त मेट्रो, जेब पर भी हल्का है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है. यार आप इस्लामाबाद और तहजीब का पिज्जा ना खाओ तो मतलब दैट्स अनफेयर. तो यार तहजीब वाले बिल्कुल भी हल्का नहीं आए थे, मतलब आई हैवंट ईटन सच अ गुड पिज्ज़ा इन माई इंटायर लाइफ. अभी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिन ख़त्म हो गया, ऑल्दो बारिश अभी तक नहीं रुकी, बट आई गेस हम सुबह सुबह निकल रहे हैं. सो मैं व्लॉग को यहाँ पर एंड करूँगा बिकॉज आई हैव टू एडिट फॉर यू गाइज. अगर तो व्लॉग अच्छा लगा तो भाई देर किस चीज़ की है, चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलना, और इतनी बात मान लिया तो वीडियो लाइक करने में भी कोई मसला नहीं है.